गुरुवार को रतलाम मंडल के DRM विनीत गुप्ता ने महू रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण करने पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने पेट्री कार को देखा और देखते ही भड़क उठे। फिर इसके बाद पेट्री कार में पहुंचे और जांच की। फिर इसके बाद नवनिर्माण रेलवे स्टेशन के कार्य को पूरा करने के लिए चर्चा की। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधाओं को लेकर निरीक्षण किया गया, साथ ही रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण को तेज गति देने के लिए उस पर भी विस्तार करना है और ब्रांड गेज लाइन को जल्द शुरू करने का प्रयास भी किया जा रहा है। पीट रोड स्थित अंडर ब्रिज को लेकर DRM से पत्रकारों ने बारिश के मौसम में पानी भर जाने पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत समय समय पर मिलती है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अंडर ब्रिज का ऊपरी हिस्सा रेलवे के अधीन आता है। स्टेशन का निरीक्षण एक सामान्य प्रक्रिया है। बीच बीच में आके पैसेंजर्स एमिनिटी के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से स्टेशन के गाड़ियों के सभी के इंस्पेक्शन किए जाते हैं, तो आज का इंस्पेक्शन उसी कड़ी में है। और इसमें एक जुड़ा हुआ पहलू ये भी है कि जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं जिसके कारण कुछ सुविधाओं में विस्तार होना है, खासतौर पर ब्रॉड गेज की, तो उसको कितनी जल्दी से किया जा सके उसका प्रयास चल रहा है। देखिए, अंडर ब्रिज में पानी कभी कभी भरने की शिकायतें आई हैं, उनको उस समय दूर किया गया, उसमें पंप भी लगाया गया है। मुख्य बात यह है कि अगर पूरी सिटी में पानी भरा है तो अंडरपास भी उससे छूता नहीं रह सकता है। जहाँ तक लाइट का सवाल है, उसके लिए हमने जो यहाँ का नगर प्रशासन है उसको बोला गया, वो चाहें तो लाइट लगा सकते हैं। रेलवे किसी भी अंडरपास में लाइट लगा के नहीं देता है। रोड जो है जिसके एरिया में है वो उसके अधीन आता है, ठीक है ना। अपना अपना हिस्सा सबको देखना है, लेकिन अंडरपास में लाइट हम कहीं नहीं लगाते। आपने देखा होगा ये अंडरपास तो महू के पास में है, लेकिन कोई बीच के सेक्शन में भी होता है तो वहाँ लाइट नहीं लगती है, गाड़ियों की लाइट अपने आप ही रहती है। मतलब रोड व्हीकल के लिए है, उसमें कोई समस्या नहीं है, उतने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। हमारा प्रयास है उसके साथ हम प्लेटफॉर्म भी ये चालू करके दें जिससे कि तुरंत उसका उपयोग हो सके। अभी क्या, मैं अगर ये बिल्डिंग चालू कर भी दूँ, बिल्डिंग तो लगभग तैयार है आप देख रहे हैं, लेकिन अब संचालन हमारा वहाँ से होगा, बिल्डिंग यहाँ होगी तो फॉर्म को बना के यहाँ से मीटर गेज शिफ्ट करके इस स्टेशन को चालू किया जाएगा।